अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप पे ख़ुद के स्टिकर कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल पे बगैर इंटरनेट के। जी दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से एंड तक देखनी है। ए टू जेड में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से और थोड़े टाइम में बताने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियो को आप बआसानी और जल्दी देख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, हम आ गए अपने मोबाइल के LCD के अंदर, मोबाइल के अंदर। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को जैसे ट्रिक्स बताता जाऊँ उसी ट्रिक्स पे आप अमल करते जाना और उसी को डाउनलोड करते जाना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डाउनलोड करनी है वीडियो बैकग्राउंड चेंजर। मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, इसका मैं आप लोगों को इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप लोगों को मुश्किल हो डाउनलोड करने की। तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड चेंजर ऑफ फोटो। ये है बैकग्राउंड SR, इसको आप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं आप लोगों को कहते जाऊँ वैसे ही करना है। इसको ओपन करने के बाद जस्ट आप लोगों ने इसमें एक तस्वीर अपलोड करनी है। एक तस्वीर अपलोड कर देनी है, जैस कोई भी हो, भले कोई भी तस्वीर अपलोड कर दें। मैं इसी में से ट्रेंड, ये मेरे जो फ़ख्र ज़मान की फ़ोटो लगी हुई है, ये वैसे स्टिकर बना हुआ है, मैं भी इसको ही कर लेता हूँ। इसी को मैं स्टिकर बनाता हूँ। पहले इसको आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर लेना है, बैकग्राउंड इसका ख़त्म कर लेना है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल मैजिक की तरह है, मैजिक की तरह काम करती है। आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे बैकग्राउंड ख़त्म हो रहा है इसका। फिर मुझे थोड़ा सा गलत कटा, मेरे से उसको थोड़ा सा सही से काट लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स, सिंपली मैं आप लोगों को बताने के लिए कह रहा हूँ। तो तकरीबन ये हो गया है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए इसको कह रहा हूँ। इसको मैं करता हूँ सेव करता हूँ। इसको मैं सेव करने के बाद दोस्तों, यहाँ जो आप लोगों को नीचे जो दिख रहा है यूज़ एस
यूज़ इस व्हाट्सअप स्टिकर, तो ये आप लोगों के पास डाउनलोड नहीं हुआ होगा, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक स्टिकर बनाता हूँ, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, जो अभी मैंने सेव किया था। इसको करूँगा लोड, एडिट, एड, ये आ गया दोस्तों, ये यस छोटी सी पिक्चर के पीछे आ गया। इसको व्हाट्सअप स्टिकर बना लेता हूँ मैं इसको, ये स्टिकर बन गया। इसको डिलीट किया मैंने, इसको भी डिलीट किया। अब मैं इसको, ये पहले से जो छोटी सी स्टिकर थी वो यहाँ पे दिख रहा था कि ऑलरेडी एडिट फ्रॉम व्हाट्सएप, क्योंकि वो पहले भी व्हाट्सएप पे एडिट है। ये ऐड नहीं है, इसको मैं अब ऐड करता हूँ, ऐड स्टिकर नहीं, एडिट है व्हाट्सएप। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ अपने व्हाट्सएप पे, कि आया कि ये व्हाट्सएप पे स्टिकर बना है या नहीं बना। यहाँ पे स्टिकर होते हैं, सॉरी अभी तक तो नहीं बना। हाँ फ्रेंड्स ये आ गया, ये तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल है, यही चला गया। अब ये भी मैंने उसी ऐप से ही बनाया था इसको, ये अपने भाई को सेंड कर रहा हूँ मैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, देखें कितने सेंड हो गए। ये अपने हाथ से अपने खुद का स्टिकर बना सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को अपना स्टिकर बना कर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अब अपनी एक सिंपल सी तस्वीर अपलोड करता हूँ, इसको रन करके यहाँ मैजिक को क्लिक करके नाइट इफेक्ट, दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी मैं इसको मैजिक कर लूँ, बैकग्राउंड उसका ख़त्म कर लूँ, फिर मैं इसका स्टिकर बना लेता हूँ। किसी चीज़ का, कोई चीज़ भी हो उसी का आप स्टिकर बना सकते हैं अपना। तकरीबन फ्रेंड्स ये हो गया, अब इसमें इसको मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ, नो थिंग्स। अब मैं इसको स्टिकर बनाता हूँ, बनाने के बाद मैं अब इसको ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद मैं अब इसको लोड करता हूँ।
अब मैं इसको डिलीट करता हूँ जो पहले बनाया था मैंने। वो पहले का था जो मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं इसको करता हूँ न्यू से। यहाँ पे मैं अपनी एक तस्वीर अपलोड करता हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको लोड कर दिया। लोड करने के बाद मैं अब इसको यहाँ जो लिखा हुआ है ऊपर एडिट स्टिकर, नो सॉरी, यहाँ नीचे एडिट ऐड टू व्हाट्सएप, ये ऐड हो गया। अब हम जाएंगे अपने व्हाट्सएप पे। ये देखें दोस्तों, ये मेरे अपने हाथ के बने हुए, ये इस पर सीख रहा था, अब यहाँ आके मैं सीख गया हूँ इसको तकरीबन। ये दोस्तों अब मैं इसको स्टिकर कर दिया। सारे स्टिकर बन गए। ये दोस्तों बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करें, बताएं कि मेरी कहाँ पे गलती है और मुझे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है आप लोगों को तो भी बता दें कि मैं इस पर और ज़्यादा वर्क कर सकूं। तो हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।